दीवारों को तोड़ते, मिट्टी हटाते। एक पुराना बक्सा मिला, धूल से ढका, समय के घूंघट में छिपा। अरे देखो क्या है ये। बक्से के अंदर धूल चाट रहे खतों का एक बंडल था। समय ने उन्हें हल्का पीला कर दिया था, लेकिन लिखावट में एक जादू था जो बीते जमाने की कहानी सुनाता था। रमेश और चांदनी के खतों में एक प्यार की कहानी छिपी थी। एक ऐसा प्यार जो समाज के बंधनों से बंधा था। उनका प्यार मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रहा था। समाज के नियमों से टकराते हुए वे एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे। खतों में उनकी उम्मीदों और उनके दर्द की गूंज थी। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उन खतों ने उस पुराने घर को फिर से जिंदा कर दिया। रमेश और चांदनी की कहानी उनके आसपास घूम रही थी। क्या हुआ उनका अंत? क्या वे साथ रह पाए? उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। खतों ने सिर्फ एक अधूरी कहानी बताई थी। पुराना घर फिर से खड़ा हो गया था। समय के थपेड़ों को झेलते हुए वह अपने अंदर एक कहानी छिपाए हुए था। उस दिन उस पुराने घर में एक नई कहानी शुरू हुई। एक कहानी जो बताती है कि प्यार बंधनों से परे है, समय के प्रवाह से अछूता है।